ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कल्याण मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर शहर के नेहरू हाल में आजमगढ़ पत्रकार परिसंघ द्वारा मंगलवार को पत्रकारिता के बदलते आयाम और चुनौतियां विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान काशी विद्यापीठ वाराणसी के निदेशक प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता को वेब ने वैश्विक बना दिया है, लेकिन प्रिंट मीडिया से चुनौती भी मिल रही है। हिंदी पत्रकारिता ने बहुत लंबी यात्रा तय कर ली है। आज के दिन हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज के समाज में ईमानदारी, नैतिकता और आदर्श की गिरावट आई है, जिससे पत्रकारिता भी अछूती नहीं रही। ऐसे में आज समस्त समाज को चिंतन करने की जरूरत है। कार्यक्रम में भड़ास फॉर मीडिया के संपादक यशवंत सिंह ने कहा कि भारत में साक्षरता दर बढ़ रही है, जिसके कारण समाचार पत्रों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन आने वाला समय डिजिटल का है और धीरे धीरे समाचार पत्र प्रिंट की जगह डिजिटल हो जाएगा। प्रिंट से डिजिटल तक के बदलाव के दौर में पत्रकारों को अपने आप को तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता की साख में गिरावट आ रही है, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। अध्यक्षीय संबोधन में उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग लखनऊ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभाल श्रीवास्तव सुकुमार ने उदंत मार्टन की यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने 191 वर्ष की यात्रा में बहुत कुछ पाया है। विषय परिवर्तन करते हुए पत्रकार सतीश रघुवंशी ने कहा कि पत्रकार के समक्ष आज के दौर में तमाम नई चुनौतियां उपजी हैं, उनका सामना वह अपने नैतिक मूल्यों के द्वारा कर रहा है। परिवर्तन के इस दौर में ग्रामीण स्तर से यूनिट स्तर तक के पत्रकार आज अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। पत्रकार आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि संचार क्रांति ने मीडिया की कार्यप्रणाली को बदल कर रख दिया है। नई पीढ़ी के पत्रकारों को तकनीक से लैस होकर काम करना पड़ रहा है। यह तकनीक खबरों को तेजी से आम आदमी तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। इस अवसर पर राम सिंह गुड्डू, महेंद्र सिंह, संगीता तिवारी, आशुतोष द्विवेदी, राम अवध यादव एवं शीला श्रीवास्तव ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में संयोजक अरविंद सिंह ने चार सम्मान क्रमशः डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त स्मृति पत्रकारिता सम्मान, मुखराम सिंह स्मृति पत्रकारिता सम्मान, बालेश्वर लाल स्मृति पत्रकारिता सम्मान एवं एसपी सिंह स्मृति पत्रकारिता सम्मान को आगामी साल से पत्रकारिता दिवस पर देने की घोषणा किया। कार्यक्रम का संचालन विजय यादव ने किया। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कल्याण मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह की अध्यक्षता में सिविल लाइन स्थित नवीन कलेक्ट्रेट भवन के सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक संपन्न हुई।
जिलाधिकारी ने विद्युत वितरण संबंधी समस्याओं का जायजा लेते हुए कहा कि आम जनता एवं उद्योगों को निर्धारित समय सारणी के अनुसार विद्युत आपूर्ति न होने के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए विद्युत विभाग के स्तर से लापरवाही पूरी तरह से जिम्मेदार है। उन्होंने अशासी अभियंता धर्मेंद्र सिंह को निर्देश दिया कि ओवरलोडिंग व अन्य समस्याओं को तत्काल सुधारते हुए निर्धारित समय सारणी के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें। अवैध होर्डिंग संबंधी समस्याओं के निराकरण के संबंध में जतकारी ने कहा कि शहर में अवैध होर्डिंग लगाने वालों पर जुर्माना लगाते हुए अभियान चलाकर अतिशीघ्र अवैध होर्डिंग हटवाई जाए। व्यापारियों के टिन नंबर संबंधी अनियमितता के संबंध में उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर महेश चंद्र को 2 दिन के भीतर निस्तारण का निर्देश दिया। कहा कि जनपद में व्यापारियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करें, जिससे जनपद में उद्योगों को बढ़ावा मिले। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम स्कूलों के पीछे भागते छात्र छात्राओं और अभिभावकों को रोकने के लिए अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी अपनी शिक्षा व्यवस्था को और सुधारेगा। प्रदेश सरकार और बोर्ड के उच्चाधिकारियों का निर्देश मिलते ही जिला विद्यालय निरीक्षकों ने इसके लिए बैठक शुरू कर दी है। आजमगढ़ में भी जिला विद्यालय निरीक्षक VP सिंह ने मंगलवार को जिले भर के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की। जिला मुख्यालय स्थित शिवली नेशनल इंटर कॉलेज कैंपस में हुई इस बैठक में प्रधानाचार्यों को बताया गया कि अब माध्यमिक विद्यालयों के पठन पाठन का काम शैक्षणिक कैलेंडर के आधार पर होगा। प्रतिमाह का कोर्स निर्धारण और परीक्षा व्यवस्था भी निर्धारित होगी, यानी अब शिक्षकों को भी जवाबदेह बनाया जा रहा है। इसके अलावा परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण में गड़बड़ी भी रोकी जाएगी, इसके लिए विशेष एप्स तैयार किए जा रहे हैं। पारदर्शी परीक्षा के साथ छात्र छात्राओं को पुरस्कार के जरिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक VP सिंह ने ABC चैनल से हुई बातचीत में कहा कि नए सत्र में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि बैठक में सभी प्रधानाचार्यों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। पिछले साल के कार्यों पर भी चर्चा की गई। क्या क्या बदलेगा इस बार, यह सवाल पूछा गया तो DIS डॉक्टर VP सिंह ने कुछ इस तरह जवाब दिया। आज सिवली कॉलेज में जनपद के सभी प्रधानाचार्यों की बैठक बुलाई गई थी। जो पिछले वर्ष कार्य किया गया उसका समीक्षा किया गया और जो अच्छे कार्य किए गए उनको प्रोत्साहित भी किया गया आगे भी अच्छा कार्य करने के लिए। जो कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास भी किया गया। कैसे दूर किया गया? अभी सरकार की कई नई योजनाएं आई हैं, जैसे स्कूलों में CC कैमरा लगवाना और बायोमेट्रिक मशीन, ताकि अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके और अब शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए इस पर विचार करने के लिए शैक्षिक कैलेंडर जारी किया गया है। माहवार, प्रत्येक माह में क्या पढ़ाई करनी है, क्या किया जाना है, इसका विवरण मासिक रूप से तैयार किया गया है, वो इनको सर्कुलेट किया गया है और उसके अनुसार मंथली हम कितना पढ़ाएंगे, कितना परीक्षा कराएंगे, कौन सी परीक्षा होगी, ये पूरा विवरण इनको बताया गया। और इस साल से एक और परिवर्तन किया गया है बोर्ड परीक्षा में, केंद्र के निर्धारण में। केंद्र का निर्धारण पहले जिले स्तर पर किया जाता था, वो परिवर्तित कर दिया गया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य, विद्यालय की पूरी संसाधन उत्तर प्रदेश जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है उसके वेबसाइट पर लोड करेंगे। और एक नया एप्स लॉन्च किया गया है, जो दूरियों की समस्या आती थी प्रधानाचार्य मोबाइल ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे और उस ऐप से स्कूल पर अगर खोलेंगे उस मोबाइल को तो उनका स्कूल कितने अक्षांश पर, कितने देशांतर पर है, ये ऑटोमेटिक बोर्ड के वेबसाइट पर चला जाएगा। तो उसमें कोई अनियमितता की गुंजाइश नहीं रहेगी,
कि विद्यालय में दूरी 3 किलोमीटर पर कितने विद्यालय हैं, 5 किलोमीटर कितने हैं, 8 किलोमीटर पर, इसमें जो अनियमितता होती थी या छिपाया जाता था वो दूर किया जा सकेगा। तो सरकार की और स्कीमें चल रही, स्कार्ड एवार्ड योजना जो बच्चों से संबंधित थी और गेम का, स्काउट का, अगला सत्र हम लोग कैसे अच्छे से करेंगे, समय से करेंगे, इस पर विस्तृत चर्चा हुई। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं, आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। अपने शहर में वैसे तो दुकानों का शुभारंभ आए दिन होता है, लेकिन मंगलवार को आजमगढ़ शहर में एक ऐसी दुकान खुली जिसका शुभारंभ बहुतों को पसंद आया। आपका दिल भी यह सुनकर खुश हो जाएगा कि आजमगढ़ की चंद महिलाओं ने गरीब परिवारों की मदद के लिए नेकी की दुकान खोल दी है। जी हां, शहर के हीरापट्टी मोहल्ले में खुली इस नेकी की दुकान का शुभारंभ मंगलवार को डॉक्टर गायत्री सिंह के हाथों हुआ। महिला मंडल की मैनेजर पूनम सिंह के अलावा अन्य पदाधिकारियों ने इस पल को खास बताया, कहा कि यहां पर कोई भी व्यक्ति अपने घर परिवार के उन कपड़ों, स्कूल बैग, बर्तन, बॉटल व अन्य पुराने सामान लाकर दान कर सकता है जो आमतौर पर बेकार पड़े रहते हैं। यही सामान हम जरूरतमंदों तक पहुंचाएंगे। दुकान के नाम से हम लोग सामाजिक कार्यों के लिए एक दुकान खोले हैं दान के लिए। दुकान का मेन उद्देश्य यही है कि लोगों के पास जो भी पुराने कपड़े, बर्तन, ये सब चीजें जो उनके यूज में नहीं आती हैं, वो गरीबों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। हमारी महिलाएं हर मीटिंग में जैसे यही सोचती रहती थी कि सबके पास इतने कपड़े वपड़े निकलते हैं, समझ में नहीं आता कि हम लोग इस कपड़ों को कहाँ रखें, कहाँ दें। गलत लोगों के हाथ में देते हैं तो पता चलता है वो लोग खेत में फेंक देती हैं, 2-4 कपड़े यूज करती हैं और इधर उधर फेंक देती हैं। तो इसी मीटिंग को देखते हुए फिर हमारे दिमाग में हम लोगों के यही आया कि क्यों ना हम लोग एक नेकी की दुकान खोलते हैं, जो कि सारे जनपद वासियों के लिए एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा, जहाँ पे सारे लोग कपड़े, बर्तन, जो भी उनके मतलब घरेलू यूज के सामान होते हैं, सब यहाँ पे वो दान कर सकते हैं। हम जनपद वासियों से यही कहना चाहते हैं कि इस नेकी की पहल में वो हमारा साथ दें, और एक स्लोगन यही कहेंगे कि नेकी करिए और हमारे नेकी की दुकान में डालिए। इसके बारे में हम यही कहेंगे, जो हमारा महिला मंडल का प्रयास है वो काफी सराहनीय है, और ऐसे ही हम लोग प्रयास करते रहें ताकि गरीबों को हमसे जो भी सहयोग बन सके हम उसमें प्रयास करें कि उनको हमसे सहयोग मिल सके। धन्यवाद। मेरा नाम चित्रलेखा श्रीवास्तव है। लोग कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन अब महिला मंडल की चंद महिलाएं आपसे गुजारिश कर रही हैं कि नेकी करने के लिए नेकी की दुकान तक आ जाइए, यह मदद गरीबों के लिए बड़ी मदद होगी। यही बात कहा संस्था के उपाध्यक्ष अमित लता सिंह ने। आजमगढ़ के जनपद वासियों को यह मैसेज देना चाह रही हूँ कि आप लोग के घर में जो भी बचे कपड़े हैं, जो आप कहीं इधर उधर इस्तेमाल नहीं करते हैं, बांध के रखे हुए हैं और उसका यूज नहीं है, तो उस कपड़ों को यहाँ पे नेकी की दुकान में लेते आए, जिससे कम से कम गरीबों का भला होगा। इस अनोखी पहल के बारे में जिसने भी सुना सभी खुश हुए, लगा कि जरूरतमंद परिवारों की मदद से जुड़ने का एक अवसर तो मिलेगा। मुख्य अतिथि डॉक्टर गायत्री ने भी महिला मंडल के इस सार्थक पहल को खूब सराहा। आजमगढ़ में जो महिला मंडल है उनके द्वारा नेकी की दुकान खोली गई है, ये जो बेहद ही सराहनीय और अनूठा प्रयास है महिलाओं के द्वारा जो किया गया। इसमें लोग ने जो कपड़े जिस परिवार में नहीं यूज होते हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, खिलौने हैं,
किताब कॉपी की बैग्स हैं, बॉटल हैं, जो कि गरीब तबके के बच्चों को या परिवार वालों को नहीं अवेलेबल होता है, वो सामान यहाँ अवेलेबल करा रहे हैं। ये कपड़ों को धुलवा कर प्रेस करवा के हैंगर्स में प्रॉपर तरीके से रख रहे हैं और जिन्हें भी जो पसंद है वो आकर ले जाएं। तो इस कार्यक्रम के लिए मैं महिला मंडल को बहुत ही ढेर सारी बधाई देना चाहूंगी। डेफिनेटली ये आजमगढ़ में पहला प्रोग्राम है और ये पहला प्रोग्राम है, मेरी तरफ से इनको ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं हैं। ये इनका जो जो इन्होंने प्रयास किया है, प्रयास आगे बढ़े और प्रयास काफी हद तक आगे जाए। और आप लोग मीडिया से ये अनुरोध है कि आप लोग इस नेकी की दुकान को, नेकी का शब्द होता है परोपकार करना, जो परोपकार का कार्य इन्होंने शुरू किया है इसको फैलाएं, लोगों को पता चले कि महिलाओं ने कितना अच्छा, कितना अनूठा और कितना अनोखा कार्यक्रम किया है, अनोखा कार्य कर रही हैं यहाँ की महिलाएं और कुछ भी कर सकती हैं ये महिलाएं जो कि ये कार्यक्रम का जज्बा दिखा रहा है इनका। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं, आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर मंगलवार को पूरे देश में करीब 8 लाख दवा की दुकानें बंद रहीं। जनपद आजमगढ़ में भी दवा कारोबारियों ने दवा दुकानें बंद कर जिला अस्पताल के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दवा व्यापारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के उस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं जिसमें दवाओं की बिक्री के नियंत्रण के लिए ई पोर्टल से करने की बात कही गई है। ई पोर्टल का पूरा भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, आज भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, दवा व्यवसाय बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का मानना है कि देश में आईटी के अपर्याप्त संसाधनों को देखते हुए अधिकतर स्टॉकिस्ट, ड्रगिस्ट और केमिस्ट के लिए नियत समय पर बिक्री की जानकारी ई पोर्टल पर अपलोड करना मुश्किल है। एसोसिएशन का मत है कि इससे देश में दवाओं की कमी हो जाएगी। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ई पोर्टल के माध्यम से 8 लाख दवा कारोबारियों और 5 लाख कर्मचारियों को बेरोजगार करके मल्टीनेशनल कंपनियों और उद्योग घरानों को दवा कारोबार देना चाहती है। आज ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट जो दवा व्यापारियों के पूरे देश में 8.5 लाख व्यापारियों का एक संगठन है जिसके माध्यम से समूचे देश में आज हम लोग केंद्र सरकार द्वारा जो यह ई पोर्टल की व्यवस्था लागू की जा रही है इसके विरोध में हम लोगों ने बंद किया है। भारत सरकार ने बिना सोचे समझे और हम लोगों ने जो अपना प्रत्यावेदन इसके विरोध में दिया था उसको खारिज करते हुए ये लागू, हम दवा व्यापारियों पर जो थोपने की व्यवस्था लागू की गई है उसके विरोध में आज पूरा समूचा देश, आज दवा व्यापारी बंद है। इससे, इस कानून से अभी आईटी सेक्टर जो हिंदुस्तान में इतना मजबूत नहीं है और ग्रामीण अंचलों में जो दुकानदार हमारे दवाई के हैं वो इस कानून से बहुत प्रभावित होंगे और दवा का कारोबार करना बिल्कुल मुश्किल होगा। केंद्र सरकार इस दवा के कारोबार के को बड़े औद्योगिक घरानों के हाथों में बेचना चाहती है और उन मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथों में यह कारोबार देना चाहती है जो सर्वथा उचित है। देश के 8 लाख दवा व्यापारी जिनके साथ 5 लाख कर्मचारी और काम कर रहे हैं उनके जीने मरने की समस्या है और ये कानून बिल्कुल गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। और जो ऑनलाइन ट्रेडिंग की व्यवस्था है, जो यह व्यापार एक
जब ये कानून ड्रग एक्ट में एक प्रावधान है कि एक दुकान है उसकी चौहद्दी है उसके क्षेत्र में हम काम करते दवाएं बेचते हैं, आज ऑनलाइन को बढ़ावा ये सरकार दे रही है, इसका भी हम विरोध करते हैं। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं, आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कल्याण मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। सूबे की योगी सरकार मस्तिष्क ज्वर यानी दिमागी बुखार जैसी घातक बीमारी की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है। छोटे बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है, तो वहीं समूची प्रशासनिक मशीनरी और स्वास्थ्य विभाग को कार्यालयों, सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई का निर्देश भी दिया गया है। लेकिन आजमगढ़ में तो जैसे उल्टी गंगा बह रही है। आप देख सकते हैं हरबंशपुर आरटीओ दफ्तर से चंद कदम आगे काशीराम आवासीय कॉलोनी जाफरपुर के पास का यह प्रदूषित माहौल। यहां नई कॉलोनी के घरों व एक स्कूल के चारों तरफ गंदे पानी का जमाव महीनों से हो रहा है। काशीराम आवासीय कॉलोनी की नालियों का पूरा पानी ही यहां जाता है, जो बड़ी बीमारियों की वजह बन सकता है। रही सही कसर हाल ही में हुई बारिश ने पूरी कर दी है। खेतों का यह पानी तालाब सरीखा हो चुका है। अब रिहायशी इलाके में रह रहे सैकड़ों लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, लेकिन नगर पालिका से लगाए जिला पंचायत तक के अफसर सुधि नहीं ले रहे। यहीं के रहने वाले इरशाद अहमद ने एबीसी चैनल को बताया कि नाली बन जाती तो समस्या का हल हो जाता, लेकिन तत्कालीन बसपा सरकार ने नाली नहीं बनवाई, उसका खामियाजा पूरा इलाका भुगत रहा है। पानी वगैरह जितना है यह भर गया है पूरा, जो अगल बगल मकान है उसमें भी चला जाता है और काफी गंदगी पैदा होती है और काफी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। पानी ऐसा है कि बगल में काशीराम आवास है जिसका सारा पानी उठ के एक खेत है, लोगों का खेत है, उस खेत में पानी जाता है, बरसात में और पानी भर जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, ओवरफ्लो होकर बाहर आते हैं, अगल बगल लोगों के घरे में आके पानी घुसता है। अब निकास होने के लिए अब सरकारी महकमा के बाद कई बार एप्लीकेशन या नोटिस दिया गया है, लेकिन उसका कोई मतलब अभी निकला नहीं है। क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि कोई नाली ऐसी बन जाती जिसके वजह से सारा पानी वो आगे घोरट तक नाला है उसमें जाके सम्मिलित हो जाता है और फिर उसके बाद भी से। इस पे जिससे भी कहा गया है, जिस जिस अधिकारी से कहा गया है, कोई इस पे ध्यान अभी तक नहीं दिया। बिल्कुल बीमारी फैल रही है, तमाम चीजें हैं, आके पानी दूषित हो रहा है, पानी पीने में दिक्कत हो रही है, रहने खाने में दिक्कत हो रही है, बदबू कर रहा है पानी, तमाम दिक्कतें हैं यहाँ पे। लोगों को डर है कि इस भीषण गर्मी में कहीं संक्रामक बीमारी न फैल जाए, क्योंकि इलाके में दो दो स्कूल हैं, इसके अलावा सैकड़ों लोगों का रहना भी होता है। स्थानीय निवासी राजेश पांडे ने एबीसी चैनल को बताया कि हम लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं, नाली बन जाती तो समस्या ही खत्म हो जाती, लेकिन कई बार प्रशासन को शिकायती पत्र दिया गया लेकिन परिणाम नहीं निकला। नहीं, जो एक गंदा पानी भर जाता है इससे हम लोगों को बहुत समस्या है, दो दो स्कूल यहाँ पे हैं, बच्चों को भी दिक्कत हो रही है, और जो है कि आवास जो है काशीराम आवास पूरा पानी इसी में आके भर जमा हो जाता है, बरसात का पानी भी आता है, इसलिए हम लोगों को बहुत समस्या है। कई बार अधिकारी लोगों से कहा गया लेकिन कोई सुनवाई हो नहीं रही है। पानी कहीं निकास की कोई जगह है कि नहीं? हाँ जी है, यहाँ से घोरे जो थोड़ा दूर पे नाला है, यहाँ से अगर नाला बन जाए तो वहाँ पे मिल जाए तो हम लोगों की समस्या खत्म हो सकती है। आने वाले समय बारिश भी आने वाली है तो क्या दिक्कतें होंगी? बहुत समस्या होगी जी, जीना दुश्वार हो जाएगा। पहले की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, लिहाजा पहले वाले अफसर भी लापरवाह बने रहे। सैकड़ों जनता का जीवन दुर्गंध व प्रदूषित माहौल में गुजर रहा है। महज एक नाला बन जाए तो जल निकासी का इंतजाम हो जाए, लेकिन जिम्मेदार अफसरों की संवेदना नहीं जागी। अब देखना है कि योगी सरकार के स्वच्छता मिशन से ये लापरवाह अफसर कब जुड़ते हैं और कब गंभीरता से लेते हैं। देखते रहिए एबीसी चैनल।
ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सोनपुर गांव में बुनकर समिति तो बनी थी कि बुनकरों की दशा और दिशा सुधर जाएगी, लेकिन सरकार का 20 लाख रुपया जब मिला तो समिति के अध्यक्ष ने अपनी ही दशा और दिशा सुधार ली और उसके बाद फरार हो गया। अब ये लोग पैसे के लिए प्रशासनिक अफसरों के यहां चक्कर लगा रहे हैं। मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर आए सोनपार गांव के निवासी और बुनकर समिति के सदस्यों ने जिला प्रशासन के सामने अपनी पीड़ा सुनाई। गांव निवासी अर्जुन सोनकर ने बताया कि 9 साल से बुनकर समिति चल रही है, हम लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा था और अब 20 लाख रुपए आया तो अध्यक्ष ने खुद ही हड़प लिया। ये कि हम लोग 9 साल से करीब करीब जो है सोसाइटी बनाए हैं बुनकर समिति, जिसमें साड़ी और कपड़े की बिनाई होती है, और उस सोसाइटी के अध्यक्ष है रामजनक यादव, सोनपार के हैं, और उसमें करीब करीब 20 लाख रुपया आ चुका है। वो आज तक हम लोगों को एक पैसा दिए नहीं विकास करने के लिए। हमारी मांगे पूरी करने के लिए हम लोग श्रीमान जिला अधिकारी से निवेदन करते हैं। महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस समिति से जुड़ी हैं। पार्वती देवी ने बताया कि हम लोगों को आर्थिक सुविधा मिल जाती तो रोजी रोजगार का इंतजाम बन जाता, जिला प्रशासन हमारी मदद करे तभी हमारा काम बन सकेगा। अब हमारा मांग यही है बाबू कि सब गरीब पालती है, निवेदन है यही कि सरकार द्वारा से जो सहायता गरीबों के होता है, हम लोग के भैंस पाली, गाय पाली, कोई भी अपना रोजी रोजगार बना के उसे हम लोग जी ही खाएं, हम लोग के कुछ मिलता नहीं है। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। सिधारी थाना क्षेत्र के गिलवारा गांव निवासी मंगलवार को बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और SP को प्रार्थना पत्र देकर गांव निवासी अजय चौहान पुत्र रिखई और अंगद पुत्र जयप्रकाश को निर्दोष बताया। गांववासियों का कहना है कि कप्तानगंज थाना पुलिस ने गवाई रंजिश और राजनीतिक प्रभाव के कारण दोनों को पकड़ा और फिर कई मुकदमे दर्ज कर दिए। ग्रामीणों ने जांच कराकर मुकदमा वापस लेने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग किया। तो है सर, घर से पकड़ कर लेकर आए हैं, घर से लेकर पकड़ के गए हमारे भाई को सर, और सर इन्होंने सर झूठा एनकाउंटर दिखाकर, मुठभेड़ दिखाकर सर हम लोग भाई को फंसाया जा रहा है सर। सर अतः आपसे निवेदन सर, हमारे भाई को छोड़ने में आप लोग मदद करें सर। प्रकरण सर देखिए, ये लोग घर से पकड़ कर ले गए और घर से पकड़ के ले गए, गेलवारा घर है सर, और कप्तानगंज थाने में दिखा के, कप्तानगंज बाजार में दिखाए गए इनकाउंटर, इन लोगों से मुठभेड़ हुआ पुलिस और प्रशासन इन लोगों के बीच, जबकि सर ये सारी घटनाएं सर काल्पनिक और झूठी है सर, बस इन लोगों निर्दोषों को फंसाया जाए। और जबकि सर कप्तानगंज थाने में हमारी बाइक को सर नंबर प्लेट बदलकर सर उसमें फर्जी नंबर प्लेट लगाकर हमारे बाइक को भी जब्त कर लिया गया सर। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़।